फरीदाबाद में अपनी मांगों को लेकर गेस्ट टीचर्स लघु सचिवालय के गेट पर खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। इन सभी टीचर्स का कहना है कि सभी की ड्यूटी दूसरे विभागों में लगा दी जाती है। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का समय नहीं मिल पाता, कभी BLO की ड्यूटी लगा देते हैं तो कभी स्कूलों में रिजल्ट चेक करने के लिए ड्यूटी पर भेजा जाता है, जिसकी वजह से स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कक्षाएं नहीं लग पाती और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। गेस्ट टीचर्स का साफ तौर कहना है कि सरकार उनकी मांगों को जल्द पूरा करे, नहीं तो निश्चित रूप से टीचर्स धरने पर बैठेंगे। सरकार अपनी मनमानी कर रही है, जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। सर, क्या नाम है आपका, क्या डिसीजन? मैं संजीव डवास हूं, वाइस प्रेसिडेंट टीचर यूनियन हरियाणा से। लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया, इससे पहले भी प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार जो है आप लोगों की बात नहीं मान रही है, आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति यही है, हम धरना प्रदर्शन जो है अब इसको लंबा करना पड़ेगा, हमें अनशन पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही और उन्होंने एक ठान लिया है कि इस विभाग का, शिक्षा विभाग का निजीकरण करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जाए, किस प्रकार से बस यही प्रयास होता है प्रशासन का, सरकार का। ज्ञापन में SDM साहब ने आश्वासन दिया है कि जो गैर शैक्षणिक कार्यों में हमारी ड्यूटी लगाई गई है, टीचरों को विद्यालय से दूर किया गया, बाहर किया गया है, तो उस विषय में उन्होंने दिया है कि उस पर वो सोच विचार करेंगे। लगता सरकार आपकी बात मानेगी? लगता नहीं है कि निजीकरण के तो लगातार प्रयास करती रहती है सरकार, तो हमें ये प्रयास करना है कि किस तरह से सरकार को रोका जाए निजीकरण से, ताकि गरीब बच्चे को सार्वजनिक शिक्षा का मिल सके। सर, मेरा नाम परवेश है और मैं JBT अध्यापिका हूँ। आज लघु सचिवालय के बाहर आप लोग इकट्ठे होकर पहुँचे हो, प्रदर्शन किया है, क्या मुख्य मांगे थे? हमारी मुख्य मांगे यही थी कि शिक्षकों को स्कूलों में छोड़ा जाए, उनसे गैर शैक्षणिक जो भी काम है वो बंद करवाया जाए। आप किसी भी स्कूल में जाके देख लो, मैक्सिमम JBT स्टाफ जो है वो ड्यूटी पे गया हुआ है, किसी की BLO ड्यूटी है, किसी की PPP में ड्यूटी है, और तो और इस बार एग्जाम चेकिंग में भी लगा दिए, जबकि 10th और 12th के एग्जाम चेकिंग में हमारा क्या मतलब बनता है, क्योंकि हम तो प्राइमरी के टीचर हैं ना, 1st to 5th। तो आपको ज्ञापन दिया है, क्या हाँ जी मिला उनकी तरफ से, अगर वो आपकी बात नहीं मानी जाती तो आगे क्या रणनीति? सर, अगर वो हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम अनिश्चितकाल धरना धरेंगे, करेंगे यहीं पे मिलके सारे, और जब तक वो हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम उठेंगे नहीं यहाँ से। जी, मेरा नाम देवेंद्र गौड़ है और मैं राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ का जिला उप प्रधान हूँ। देखिए, आज हमारी मुख्य मांग है कि अभी जो BLO ड्यूटीज़ होती हैं उसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स की ड्यूटी को काटकर और JBT शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, तो हमारी मुख्य मांग यही है कि JBT शिक्षक की ड्यूटी ना लगाई जाए, क्योंकि सरकार निपुण हरियाणा बनाने की बात करती है, निपुण भारत बनाने की बात करती है, लेकिन एक तरफ क्या हो रहा है कि ये गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है, शिक्षकों को स्कूलों से दूर रखा जा रहा है, तो इससे जब शिक्षक स्कूलों में ही नहीं रहेंगे तो वो क्या शिक्षा का वातावरण दे पाएंगे, क्या अच्छी शिक्षा मतलब बच्चों को दे पाएंगे, तो हमारी यही मांग है कि जो BLO ड्यूटी है ये वापस हो, और जो JBT शिक्षक के साथ जो विशेषकर भेदभाव किया जा रहा है कि जो गैर शैक्षणिक कार्य है जितने भी होते हैं सब में JBT शिक्षक की ड्यूटी लगाई जा रही है, वो सब बंद किया जाए। जी, ज्ञापन दिया है और अभी जो हमारे SDM साहब हैं उन्होंने कहा है कि हम अपने जिला उपायुक्त महोदय से बात करेंगे और जो भी होगा वो न्याय होगा, और न्याय नहीं होगा तो हम अपने संघर्ष करेंगे, हम अपने JBT शिक्षक साथी जो है। देखिए, 5 महीने पहले जिस मुद्दे पर हमने संघर्ष किया था उसका समाधान हो गया था, तो अब सरकार से यही मांग है कि जैसे पहले हमारी सरकार बातें मानती आई है, तो इन सभी जो अब हमारी समस्याएं हैं शिक्षक साथियों की उनको दूर करें, और स्कूलों में जो सुविधाएं दे, जो स्कूलों में शिक्षकों की कमी है उसको दूर करें, और मुख्य जो है गैर शैक्षणिक जो कार्य हैं उनको बंद करें सरकार। सर, जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो ये है कि सरकार ने निजीकरण का बिल्कुल मन बना लिया है एजुकेशन का, और सरकार जहां प्राइवेट स्कूलों को कहती है कि भाई आप 1,80,000 से कम जिसकी भी इनकम है आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाओ, फीस हम देंगे, और सरकारी स्कूल में 90% से ऊपर स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल नाम दे दिया गया है, उन स्कूलों को, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को, और वहाँ पे कहते हैं कि 200, 250, 300 ऐसे क्लास के हिसाब से आपको फीस देनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे ऑन रोड हैं, उनका जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है
कि पहली से आठवीं तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा वो उन बच्चों को अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। उनका नाम प्राइवेट स्कूलों में था, कोरोना काल में वे गरीब आदमी अवेयर नहीं थे, वे अपने बच्चों को स्कूल से ना तो उनका नाम कटवा सके ना कहीं नाम लिखवा सके। स्कूल वालों ने इतनी मोटी मोटी लाखों में फीस बना दी, अब वो पे करने में समर्थ नहीं है। और जब हम MIS पोर्टल पे उनका नाम लिखने की कोशिश करते हैं तो वो बच्चे जो है उस स्कूल में दिखाई देते हैं जिस स्कूल में उनका नाम है। हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम नाम भी नहीं लिख सकते, ना वो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ पा रहे हैं ना प्राइवेट में, कितनी बड़ी पीड़ा है। और सरकार हमारी BLO ड्यूटी और कहीं RTI अनेक प्रकार की ये वार्ड बंदी इस प्रकार की ड्यूटी कर लगा के हमें जो है स्कूलों से बाहर रख रही है और अभिभावक आगे टीचर्स को गालियां दे रहे हैं कि भाई आप लोग कुछ काम नहीं कर रहे। अब देखो रिजल्ट बनाया तो उसमें हमें काम दिया गया कि आप पहले अवसर ऐप पे रिजल्ट चढ़ाओ। कैसे चढ़ाओ? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या दिया बच्चे ने? क, दूसरे का ख, तीसरे का क, चौथे का BC, ऐसे करके। तो उसमें क्या हो रहा है कि टीचर फोन पे लगा हुआ दिखाई देता है पेरेंट्स को। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? हमारी रणनीति ये है कि अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम यहाँ पर जो ना आमरण अनशन करेंगे और ये BLO ड्यूटी, गैर शैक्षणिक कार्य में ड्यूटी, ये वापिस ले, निजीकरण की पॉलिसी को वापिस ले। थैंक यू।